फाइव आर्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम समीन, खुशखती में महारत यह है कि आप जो भी लिखना चाहें वो खूबसूरत हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्फाज का जोड़ सही लिखें और अंदाज़ दुरुस्त हो। तो आज हम लिखते हैं चंद हरूफ। तो सबसे पहले लिखते हैं कीमतें। कीमतें लिखने के लिए काफ को यहाँ से शुरू करेंगे, यानी पहली लाइन के नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ जे का घर बनाएंगे, अब इसके साथ नून लगाएंगे। अब लिखते हैं तालीमी। तालीमी लिखने के लिए जहाँ से ते को शुरू करेंगे, अब लिखते हैं हलाकतें। तीसरी लाइन से शुरू करेंगे। अब लिखते हैं हुक्म। आप देख लें कि काफ के नीचे कलम बारीक इस्तेमाल की है, इसके बाद मीम, मीम का अलग जोड़ लिखा है, फिर ते, ते के बाद ये लिखने के लिए कलम को बारीक इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरूफ का अंदाज़ सही लिखने से उनकी बनावट सही बनती है। लिखते वक्त आप इन बातों का ख्याल ज़रूर करें। मसलन अगर आप कीमतें इस तरह लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा।
क्योंकि इसमें हर जगह कलम को पूरा इस्तेमाल किया गया है। इस तरह हरूफ की बनावट अच्छी नहीं लगती। इसी तरह आप ये हरूफ देख लें, तालीमी हलाकतें और हुक्म, तो इनको लिखने के लिए कलम को मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। किसी जगह बारीक, जहाँ पूरा कलम, जहाँ बारीक हलाकतें भी इस तरह लिखा गया है। इन्हीं बातों का ख्याल रखने से हरूफ का अंदाज़ सही हो जाता है। आप जब चंद हरूफ का लिखना समझ जाएंगे तो बाकी हरूफ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।